वाली खबरों की तरफ खबर आ रही है। जनपद बहराइच से बहराइच योगी सरकार के 4.5 साल पूर्ण होने पर बहराइच के विधायक अनुपमा जायसवाल ने पेश किया विकास का लेखा जोखा। जी हाँ, जनपद बहराइच से खबर है, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर बहराइच के विधायक अनुपमा जायसवाल ने आज महिला डिग्री कॉलेज के डाक बंगले में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कि पिछले 4.5 सालों में विधानसभा 286 में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया गया। और मीडिया कर्मी प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए विधायक ने कहा कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुरक्षा और सुशासन के साथ साथ विकास के नई इबारत लिखी। इन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 154 करोड़ 21 लाख की लागत से 130 मार्ग का निर्माण कराया गया, जिसकी कुल लंबाई 266 किलोमीटर है। सदर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकपुर क्षेत्र में 197 करोड़ 57 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया। ऐसे में कई निर्माण कार्य के बारे में विधायक अनुपमा जायसवाल ने बताया। सदर विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में 197 करोड़ 57 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूर्ण कराया गया है। पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से 2.76 करोड़ रुपए की लागत से कुल 47 मार्गों का निर्माण कराया गया है। जो मेरी विधायक निधि होती है, उस विधायक निधि से 3.85 करोड़ रुपए की लागत से 55 इंटरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य कराया गया है। मेरी विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में एक रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराया गया, जो पहले देखने में अच्छा नहीं लगता था और जनता के द्वारा मुझसे कहा गया था इसे बनाया जाए, तो उस बस स्टैंड का निर्माण 4 करोड़ की लागत से कराया गया। विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल के लिए 35.49 करोड़ की लागत से 11 पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया है और पाइप लाइन बिछाई गई है और 40 पानी टंकियां भी अभी अनुमोदित हैं जो आगे को बननी है। विधानसभा के 3 ग्राम पंचायतों में 72 लाख रुपए की लागत से अंत्येष्टि स्थल का भी निर्माण कराया गया है। विधानसभा के प्रयागपुर विकासखंड की एक बभैयावा ग्राम पंचायत हमारी है, जिसमें 1.89 करोड़ की लागत से एक CSC का निर्माण कराया गया है, ताकि लोगों को वहीं लोकल लोगों को आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। 4 परिवारों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन भी दिया गया है। विधानसभा में जो अवशेष 1230 नजरे हैं उनमें 68.69 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण भी कराया गया है। हमारी विधानसभा में 5684 निःशुल्क LED का वितरण कराया गया। चित्तौरा ब्लॉक में 80 लाख की लागत से किसान कल्याण केंद्र बनना स्वीकृत हो चुका है। विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में 6115 बेघर लाभार्थियों को आवास के लिए 152 करोड़ 87 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। और हम सबका सौभाग्य है कि उन सारे सपनों में उड़ान भरने के लिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री का आगमन हुआ जिसने अपने मुख्यमंत्री काल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और जितने वादे किए थे उनको असली जामा पहनाने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के रूप में बहराइच की जनता के आशीर्वाद से मुझे भी जनता के बीच काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने भी भरसक अपने मन क्रम वचन से इस बात की कोशिश की कि मैं जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरूं और विकास की जो बात की है हमारी पार्टी ने और जिसके लिए संगठन की एक लंबे समय से सेवा करने के कारण जो मेरे रोम रोम में बसा है मैं उसे बहराइच की धरातल पर उतारने का प्रयास करूँ। और मुझे अपने आप में तो पूर्ण विश्वास है कि मैंने उस काम को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है। आज बहराइच विधानसभा में जो काम कराए गए हैं
उन कामों को आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए मैंने आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यहाँ बुलाया है और मैं आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ शुरुआत में और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप सब मेरे बुलावे पर और आप जो पत्रकारिता से एक अटूट का आपने अपने पेशे के प्रति भी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आप सब यहाँ पर समय से पहुँचे हैं और मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली खबरों में।